तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ YouTube वीडियो के अंदर आई बटन में वीडियो कैसे ऐड करते हैं। दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल चलाते हैं, आप YouTube क्रिएटर हैं, आपको नहीं पता है कि आई बटन के अंदर वीडियो कैसे ऐड करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो एंड तक देख लेना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आई बटन में वीडियो कैसे ऐड करते हैं। तो दोस्तों, कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको ये सारे कंटेंट की वीडियो देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, YouTube चैनल के ऊपर जब भी हम किसी क्रिएटर का वीडियो देखते हैं तो यहाँ साइड में कॉर्नर में एक आपको लिंक देखने को मिल जाता होगा। जब भी हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें एक नया वीडियो देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आप भी सीखना चाहते हैं आई बटन में वीडियो का लिंक कैसे ऐड करते हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। वीडियो को आपको बिल्कुल आगे पीछे नहीं करना है। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको सरकारी योजनाएं, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब टिप्स की सारी कंटेंट की वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, सरकारी योजना की जो भी अपडेट्स आती हैं उन सारी अपडेट्स के ऊपर मैं वीडियो टाइम पर ही बनाता रहता हूँ। श्रमिक कार्ड, लेबर कार्ड की जो भी नई अपडेट आती है, जो भी नई योजनाएँ आती हैं, उन सारी योजनाएँ की वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। देखते हैं तो चलिए दोस्तों, वीडियो के लिए शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा क्रोम ब्राउजर है, मुझे अपना YouTube चैनल इसके अंदर ओपन कर लेना है। आपको भी अपना YouTube चैनल Chrome ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेना है। तो मैं Chrome ब्राउजर के लिए क्लिक कर देता हूं। मैंने अपने YouTube चैनल को Chrome ब्राउजर के अंदर ओपन कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां मेरे चैनल का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको भी इसी तरीके से अपना YouTube चैनल Chrome ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूं। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं चैनल स्टेटस एंड फीचर, तो आपको सिंपल यहाँ क्लिक कर देना है। तो मैं सिंपल यहाँ क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके YouTube चैनल का इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ आपके लिए अपने YouTube चैनल की लास्ट वीडियो जो भी आपने अपलोड की होगी वो यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ आपको अपने सब्सक्राइबर देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ इस तरीके से। और आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपके लिए क्लिक कर देना है। तो मैं सिंपल यहाँ क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके YouTube चैनल की सारी वीडियो इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी। ये मेरे YouTube चैनल की सारी वीडियो हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, सारी वीडियो मेरे यहाँ शो हो रही हैं। अब दोस्तों, हमें कोई भी एक वीडियो ओपन कर लेनी है। तो मान लीजिए मुझे ये कि ये वाली वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मुझे आई बटन में वीडियो का लिंक ऐड करना है। तो सिंपल मैं इस वीडियो को ओपन कर लेता हूं, मैं क्लिक कर देता हूं। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके वीडियो का पूरा स्टेटस इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ये आपकी डिस्क्रिप्शन यहाँ देखने को मिल जाएगी और यहाँ आपके यूट्यूब चैनल का वीडियो है उसकी थंबनेल देख सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा वीडियो को जूम कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कार्ड्स वाला, और सामने इसके एक पेन का आइकन दिख रहा होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, आई बटन पे वीडियो का लिंक ऐड करने के लिए इस पेन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं सिंपल यहाँ क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। मैं दोस्तों यहाँ आपके लिए दिखाता हूँ, एक डंडा सा आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, और ये मैं उंगली से चला रहा हूँ। तो दोस्तों, अब आपके लिए क्या करना है, इस डंडे को कहीं भी एक जगह पर रख देना है इस तरीके से। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ, मैंने इसको रख दिया, और यहाँ रखने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक प्लस का आपको मार्क दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ इस तरीके से, एक प्लस का आइकन यहाँ दिख रहा होगा। इस प्लस के आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैं इसे थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। अब दोस्तों, मैंने यहाँ डंडे को छोड़ दिया है और यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मैं इसे और जूम कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, वीडियो, प्लेलिस्ट और चैनल। दोस्तों, आप अगर वीडियो पर क्लिक करते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल के अंदर जो वीडियो है उस वीडियो का लिंक, यानी कि उस वीडियो को आप अपने आई बटन में ऐड कर सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जो भी आपकी वीडियो होंगी उस वीडियो को आप अपने आई बटन में ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपल वीडियो पर क्लिक कर देता हूं। और दोस्तों, वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपके यूट्यूब चैनल की जितनी भी वीडियो होंगी वो इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। अब दोस्तों, आपको उस वीडियो को यहां से ले लेना है जिस वीडियो को अपने आई बटन में आप ऐड करना चाहते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ से कोई भी एक वीडियो को ले लेता हूँ। तो सिंपल मैं इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, क्लिक जैसे ही मैं करता हूं तो ये वीडियो मेरी आई बटन में ऐड हो जाती है। थोड़ा सा मैं इसे पीछे करके आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, एक ब्लू कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां मैंने पहले डंडे को छोड़ा था, उसके बाद मैंने वीडियो ऐड की थी, और यहाँ आपको ये आई बटन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आई बटन के अंदर वीडियो इसी तरीके से ऐड आपको कर लेना है। और यहाँ मैं आपके लिए एक जानकारी और बता देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, अगर आप आई बटन में जब भी किसी वीडियो को लिंक ऐड करें, ये मान लीजिए आई बटन में कोई भी वीडियो ऐड करें, तो आप वीडियो के लास्ट में ही करें। उससे होगा क्या, जो भी व्यूवर्स या जो भी सब्सक्राइबर आपका वीडियो को देख रहा होगा
तो आपकी पूरी वीडियो देखने के बाद ही आई बटन पे क्लिक करके आपकी नेक्स्ट वीडियो देखेगा। उससे दोस्तों आपको ये बेनिफिट्स होने वाला है कि आपकी जो भी वीडियो वॉच करने वाला है तो पूरी वॉच करेगा, आपकी वीडियो बीच में नहीं छोड़ेगा। दोस्तों आई बटन का लिंक अगर हम बीच में ऐड कर देते हैं तो दोस्तों उससे होता क्या, कई बार दोस्तों हमारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो बीच में ही वीडियो को छोड़ देते हैं और आई बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो पर आ जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि हमारी जो वीडियो को देख रहा होता है उसकी रीच खराब होती है और हमें पूरा व्यूज नहीं मिलता। तो आप जब भी वीडियो के अंदर आई बटन में वीडियो ऐड करें तो लास्ट में ही करें। दोस्तों आई बटन में वीडियो ऐड करने के बाद यहाँ आप देख रहे होंगे एक सेव का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक सेव का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको सेव कर देना है और दोस्तों सेव करने के बाद आपको बैक आ जाना है। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक पर, तब तक के लिए ओके बाय, अपने ख्याल रखना, थैंक यू।